पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में रिश्तों को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया, जिसमें सौतेली बहन के आशिक ने ही उसके भाई की हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने के लिए पेट्रोल से चेहरे को जला दिया। पुलिस ने आज इस मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस के मुताबिक फरार आरोपी की तलाश जारी है। दरअसल गत दिनों जनपद मुरादाबाद के थाना मुडा पांडे क्षेत्र में एक बीटेक के छात्र का शव मिला था। खेत पर पड़े शव की सूचना एक किसान ने पुलिस को दी थी। पुलिस की तहकीकात में मृतक बीटेक छात्र के शव के पास बरेली कॉलेज की लाइब्रेरी का कार्ड बरामद हुआ था, जिससे उसकी पहचान हो सकी। पुलिस के द्वारा किए गए इस हत्याकांड खुलासे में भाई बहन के रिश्ते ही शर्मसार हो गए। पुलिस के मुताबिक मृतक और उसकी सौतेली बहन के बीच झगड़ा रहता था। ये 25 सितंबर को मुडा पांडे के एक गांव में एक अज्ञात अधजला शव बरामद हुआ था, जिसकी शिनाख्त सुधीर सैनी जो निवासी बिलारी के रूप में हुई थी। ये बीटेक का छात्र था जो बरेली में पढ़ता था। इसमें आज एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इसने अपने बयानों में बताया कि दो लड़कों ने मिलकर ये पूरी घटना करी है। ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। जो दो अभियुक्त हैं शुभम और परविंदर, ये आपस में चचेरे तहेरे भाई है। इन्होंने बताया कि जो मृतक है, इसमें शुभम और मृतक भी दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। शुभम इनके बुआ का लड़का लगता है। इसने ये बताया कि जो मृतक की सौतेली बहन थी, इसने शिकायत करी थी इसे कि मृतक इसे मारता पीटता है और परेशान करता है। इससे पूर्व में भी लगभग 4-5 दिन पहले इनके मृतक और शुभम के बीच में मारपीट हुई थी, तो इसी के बदला लेने के उद्देश्य से ये पूरी घटना रची गई। इसको फ़ोन करके अपने पास बुलाया गया था मुडा पांडे में। पहले घटनास्थल पर इन्होंने शराब पी थी और शराब के नशे में शुभम ने जो मृतक है इस पर वार किया और बाद में बोतलों से भी वार किया, और जो बाइक में जो पेट्रोल होता है उससे इसके शव को जलाया गया। इसमें एक अभियुक्त शुभम इस समय फरार है। इसके गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इस जो गिरफ्तार अभियुक्त परविंदर केश की निशानदेही पे मृतक के अधजले कपड़े भी बरामद किए गए हैं। एक ब्लाइंड मर्डर था, कहां से कड़ी जुड़ी थी? इसमें शुरुआत में जो वादी थे उन्होंने अन्य लोगों के नामजदगी की गई थी, उस पर उस डायरेक्शन में भी विवेचना की गई, उसमें कोई लाभप्रद जानकारियां नहीं मिल पा रही थी। सबसे पहला शक हुआ कि यह घटनास्थल क्योंकि बहुत रिमोट प्लेस था, ऐसा क्यों चुना गया। जब जानकारी की गई तो इसमें जो एक अभियुक्त है शुभम, उसके परिवार के खेत उसी घटनास्थल के आसपास है, जिनपे शक जाहिर हुआ। इसके अलावा फिर और भी सर्वलांस की मदद की ली गई, तो इसमें दो लड़कों पे शक शुरू हुआ, शुभम और परविंदर। जब परविंदर से पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना को कबूला और किस प्रकार किया ये भी बताया। साथ में जो कपड़े इन्होंने जला के छुपा दिए थे उसकी भी बरामदगी की गई, तो इस तरह इस पूरी घटनाक्रम का अनावरण हुआ। इसमें जो फरार अभियुक्त है शुभम, इसके गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक इनका कोई ऐसा आपराधिक इतिहास संज्ञान में नहीं आया है। इसमें विवेचना की जा रही है, जो भी तथ्य आएंगे उससे अवगत कराएंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।